ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले हमें लॉस सैंटोस में अंडरवाटर माफिया दिखा था, काफी सारे स्वैट सोल्जर्स उसे पकड़ कर ले जा रहे थे। अब कहां ले जा रहे थे, क्यों ले जा रहे थे, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन लेस्टर ने भी उन लोग को देखा था। तो लेस्टर ने क्या करा, जितने भी सीक्रेट कैमरे थे ना लॉस सैंटोस के, उन सभी को हैक करा और उनका फुटेज देखा उसी टाइम का। तो उसके अंदर हमें ट्रक तो पता चल गया कि कौन से थे, और उसके अंदर हमें अंडरवाटर माफिया भी नजर आ गया। अब वो उसे लेकर गए थे सीधा गवर्नमेंट फैसिलिटी, और उनका पीछा करते करते हम लोग भी वहां पर पहुंच गए। बट जैसे ही हम लोग वहां पर पहुंचे तो वो ने गाइस और भी ज्यादा सिक्योरिटी, और भी ज्यादा फोर्स के साथ वहां से निकल गए किसी और जगह के लिए। और फिर हम लोग ने दोबारा से इनका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन यार तभी इन लोग को हमारे ऊपर शक हो गया। और इन्होंने क्या करा कि ना, जिस गाड़ी के अंदर अंडरवाटर माफिया था उस ट्रक को तो सीधा भेज दिया, लेकिन जो बाकी पूरी की पूरी फोर्स थी ना, उसने हाईवे ब्लॉक करा और हमारे ऊपर एकदम झटके से अटैक कर दिया। अब अच्छी बात तो यह कि जैसे जैसे बचकर हम लोग वहां से भाग गए थे, और साथ ही हमने ना एक स्वैट सोल्जर्स को अपने साथ पकड़ लिया था, वो भी जिंदा, उसको दबा के टॉर्चर करा और उससे ना इनका पूरा का पूरा प्लान बाहर निकलवाया। तो यार ये लोग पता क्या चाह रहे थे कि अंडरवाटर माफिया को ना ये लोग भेज दे सीधा नॉर्थ एंगटन बिग माफिया के भाई को मारने के लिए, और उसके पीठ में ना इन्होंने बॉम्ब भी लगा दिया था, वो भी बहुत खतरनाक। यानी कि अगर अंडरवाटर माफिया मर भी जाता है ना, तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए और साथ में जो बिग माफिया का भाई है वो मर जाए। मतलब यार इस टाइम ना मिलिट्री वाले कुछ अलग ही दिमाग लगा रहे हैं। फिलहाल अभी ना हमने जैसे तैसे करके अंडरवाटर माफिया को रेस्क्यू करवा लिया, बहुत तगड़ी प्लानिंग थी लेस्टर की। एक प्लेन चुराया, उसके बाद हम लोगों ने जितनी भी फोर्स थी उसके ऊपर बॉम्ब गिराया, बहुत कुछ था भाई, क्या ही बताऊं मैं। बट जैसे तैसे करके हम लोग ने अंडरवाटर माफिया को तो बचा लिया, लेकिन उसको बचाने का कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो बॉम्ब है वो उसकी पीठ में अभी भी अटैच्ड है, और उसको निकालना ना एक टाइप से इम्पॉसिबल सा हो रहा है। और यार वो जो बॉम्ब है ना गाइस अभी कुछ ही घंटे में फटने भी वाला है। फिलहाल अभी हम लोग अपने रेंट वाले हाउस पर आ गए थे उसको रेस्क्यू कर, और ये देखो यार अपनी हार्ले डेविडसन भी यहाँ पर खड़ी हुई है। अभी ना गाइस जल्दी से मैं सीधा ऊपर चलता हूँ, देखते हैं क्या सीन है, वो बॉम्ब अभी तक डीअटैच हुआ या फिर नहीं हुआ। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना जल्दी से ऊपर चल के लेस्टर से ही बात कर लेते हैं। फिलहाल अभी ना सुबह के 5 बज रहे और अपने 2 घंटे बीत भी चुके हैं, यानी ये जो बॉम्ब है ना गाइस कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाला है, कैच करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यार ये डिफ्यूज तो हो नहीं सकता। बाकी ये कह रहा है कि ज्यादा टाइम तुम्हारे पास नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा और बाकी है, और अभी पता नहीं यार कितना टाइम यहां पर डीअटैच करने में लगने वाला है। और ओ भाई साहब यहां पर ये, ओ तेरी भैंस की टांग, यहां पर पुलिस वाले कहां से आ गए, इसकी ऐसी की तैसी, ये क्या हुआ भाई। चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, तेरी भैंस की टांग हमें मारेगा, मार इसकी भैंस। ओ भाई साहब नीचे से भी काफी सारे बंदे आ गए हैं। अभी ना गाइस जल्दी से मैं सीधा नीचे चलता हूँ, भाई ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। और अभी ना फिलहाल वो ना भाग जाए, वैसे वो भागेगा नहीं, उसको भी पता है, क्योंकि अगर वो हमारे हाथों लग गया ना फिर बहुत ही बुरी तरह मरने वाला है। अभी ना फिलहाल यहाँ पर इन सबको मारना है, बहनी तू भागने की कोशिश कर, ऊपर चले सीधा। और बाकी लेस्टर आके कैसे गिरा, अंदर से भी बंदे आ गए क्या, ओके तो यहाँ पर सामने से आ रहा है। ओ भाई साहब तो गाइस यार अभी ना फिलहाल हम लोग इधर काफी सारे बंदे मार चुके हैं। और गाइस मैं पता क्या कर रहा हूँ, इधर ना किचन में एक विंडो है जहां से ना जो सीढ़ी है ना वहां का रास्ता दिखता है, तो जो भी ऊपर आता है ना उसको मैं ऊपर आने से पहले ही मार सकता हूं यहां से। बट अभी ना फिलहाल जैसे ये आया तो यहां पर इसके मैंने एकदम रख के बजा दी। लेकिन गाइस यार अभी ना फिलहाल इन लोगों ने हमें चारों तरफ से बहुत ही बुरी तरह घेर लिया है। बाकी यहां पर एक बंदा शायद से और अंदर आने की कोशिश कर रही है, इसी तरह से अंदर आएगा। यहां पर अभी फिलहाल इसको मैंने मार दिया, एक और आ गया, वाओ। तो चलो अभी जल्दी से ना गाइस सबसे पहले बाहर निकलता हूं, यार गेट खुलना भी मुश्किल हो गया, इतनी सारी इनकी बॉडी हो गई है। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर इन लोगों का कुछ ज्यादा ही हो गया, चारों तरफ से इन्होंने हमें घेर लिया है। अभी फिलहाल मेरे को बहुत ज्यादा खुंदक चढ़ गई, अब आओ बेटा तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं भाग कर सीधा ऊपर वाले फ्लोर पर आ गया हूं, और एक केरा, अब आओ बेटा सारे के सारे मेरे से बहुत ही बुरी तरह मरने वाले हो। नीचे की तरफ में देखो यार यहां पर कितनी सारी पुलिस वालों की गाड़ी आ गई है लाइन से, सबने यहां पर अपनी पूरी पूरी फोर्स बैठा रखी है। तो गाइस जैसे ये बॉम्ब डिफ्यूज होगा ना, हमें यहां से जल्दी भागना पड़ेगा, वरना फिर बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी तो मैं आराम से अब ऊपर रहकर संभाल लूंगा। तो ओके गाइस यार फाइनली पूरे के पूरे 1 घंटे के बाद उस बंदे ने वो जो बॉम्ब है अंडरवाटर माफिया की बैग से डिटैच कर दिया है। और गाइस अभी ना जल्दी से हमें उस बॉम्ब को लेकर किसी ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर वो ब्लास्ट हो जाए बट किसी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। अब यार देखो उसको ब्लास्ट होने से तो हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन अगर इन लोग को पता चल गया ना कि वो बॉम्ब हमारे पास है तो भाई फिर बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। या फिर अगर इन्हें ये भी पता चल गया कि अंडरवाटर माफिया को हमने ही रेस्क्यू करवाया था तो भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अभी फिलहाल इन लोग को बस इतना पता है कि हमने ना उस वाले ह्यूमेन लैब के बेस से सिर्फ उस बंदे को किडनैप करा है, इसलिए इतनी सारी पुलिस आ रही है। तो गाइस अभी ना बस हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर जितना भी रास्ता है ना पहले से साफ करना है, और उस बॉम्ब को लेकर यहाँ से निकलना है, और अंडरवाटर माफिया को भी छुपा के रखना है। मतलब गाइस अभी बहुत ज्यादा गलत सिचुएशन है, अभी कुछ भी करके ना सबसे पहले मैं रास्ता साफ करता हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो सामने इतना बड़ा समुद्र है ना उसी के एकदम पानी के अंदर ले जाकर उस बॉम्ब को रख देते हैं, वहां ब्लास्ट होगा तो ज्यादा किसी को भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और इतना ज्यादा भी ब्लास्ट नहीं हो जाए कि यार पूरा पूरा शहर ही हिल जाए। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल काफी सारी गाड़ियां आ चुकी है, फटाफट से यहां पर मैं जितनी भी बॉम्ब लगाए थे मैं सबको ब्लास्ट कर देता हूं।
बाकी तो यार यहाँ पर इन नॉर्मल बॉम्ब से पूरा का पूरा यहाँ पर ऐसा लग रहा है शहर हिल गया है, बट अभी तो फिलहाल ये कुछ भी नहीं था। अभी जल्दी से मैं चलता हूँ सीधा नीचे वाले फ्लोर पर, बाकी बड़ी बुरी तरह कर रहा हूँ, अभी फटाफट से जल्दी सीधा अंदर। तो चलो गाइस फाइनली ये जो बॉम्ब है वो अंडरवाटर माफिया से डिटैच हो चुका है, और गाइस अभी ना बातें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी से इस बॉम्ब को मैं लेता हूँ और फटाफट से फेंक कराता हूँ सामने वाले सी में। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने फ्रैंकलिन को निकलने के लिए बोल दिया है, नीचे जो गाड़ी खड़ी है ना उसके अंदर ये सारे के सारे बैठ कर अपना यहाँ से निकल जाएंगे। अब यार देखो इनको पहले जाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस अभी ना थोड़ा बहुत मामला शांत है और अंडरवाटर माफिया को भी ना हमें छुपा कर रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि मिलिट्री वाले उसे ढूंढ ले। और जो बॉम्ब है ना गाइस वो मैंने अपने हाथ में ले लिया है, फटाफट से ट्रेवर और मैं इस बॉम्ब को लेकर यहाँ से जाने वाले हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन वगैरह सब अपना गाड़ी में बैठ चुके हैं, बाकी अच्छी बात तो यह कि पुलिस वालों का जो मामला थोड़ा बहुत ठंडा पड़ गया, अभी फटाफट तुम लोग यहाँ से निकल लो, अभी फिलहाल जो अपना मेन काम है वो करते हैं। फटाफट से अपने स्कूटर मेरा नहीं है, पता नहीं किसका है, फिलहाल मैंने यहाँ पर इसे चुरा लिया है, जल्दी से इसे लेकर चलते हैं सीधा सामने की तरफ में, यहीं कहीं पर तो उसने मेरे को शॉप बताई थी, तो हाँ वो देखो साइन आ रहा है मैप में, तो भी जल्दी से हम लोग वहाँ पर चलते हैं और उधर अंदर चलकर देखते हैं अपनी बाइक जो है वो कंप्लीट हुई या फिर नहीं हुई। ओ भाई भाई ये क्या, एक सेकेंड ये स्कूटर क्या है भाई, मैं इसे आज के बाद नहीं चलाऊंगा भाई, सच्ची में मैंने ब्रेक मारी है और आप लोग देखो भाई स्किड कितनी ज़्यादा लग गई मतलब कि क्या ही खत्म ब्रेक है इसका। तो चलो गाइस फाइनली यहाँ पर जो गेट है वो खुल गया और अभी फटाफट से अपने स्कूटर को यहीं पर पार्क करते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना जल्दी से देखते हैं कि आखिरकार हमारी सारी की सारी बाइक जो है वो मॉडिफाई हुई या फिर नहीं हुई। तो गाइस यार हम लोग ने क्या करा था, बैनी ने इनको सारी की सारी गाड़ियाँ सेकेंड हैंड ला कर दे दी थी और इनको बोल दिया था कि इन्हें रिपेयर करके एकदम न्यू कर दो। फिलहाल सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ पर हो चुकी है और ये जो बाइक है ना ये स्पेशल बाइक है अपने शोरूम की, इसे मतलब हमने स्पेशली बनवाया है, इस टाइप की एक बाइक मैंने बहुत पहले देखी थी तो सेम टू सेम वैसे की वैसी बनवा ली। बाकी यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी थोड़ी बहुत बाइकों पे काम चल रहा है, मतलब अभी सारी बाइक मॉडिफाई नहीं हुई है, बट एक काम करता हूँ जितनी मॉडिफाई हुई है ना उतनी लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ, इनकी पेमेंट कर देते हैं अंदर बॉस को। बाकी ये कौन सी बाइक है भाई, एक सेकंड इसका टायर देखो भाई ऐसे लग रहा है मॉन्स्टर ट्रक का टायर है। वैसे यार बॉस का ऑफिस कहाँ पर है, ओके तो ये बॉस का ऑफिस नहीं है, शायद से इधर वाला होगा बॉस का ऑफिस। तो चलो यार अभी ना जल्दी से मैं बात कर लेता हूँ जितनी भी बाइक हुई है ना उसकी पेमेंट कर देते हो। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल ये बंदा कह रहा है कि ये यहाँ का बॉस नहीं है तो इसलिए इसको बाइक्स के रेट नहीं पता, पर जो बॉस आई है उसको कॉल करके बुला रहा है, कह रहा थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा आने में, जब तक तुम लोग वेट कर लो। तो चलो यार एक काम करता हूँ जब तक ना मैं भी बैनी को कॉल करके बोल देता हूँ कि फटाफट से ना टेस्ला ट्रक लेकर पलीटो बे पहुंच जा, वरना यार ये सारी की सारी बाइक्स में लोड किस में कर ले जाऊंगा, बाकी जब तक एक आध बाइक अपनी और मॉडिफाई हो जाएगी। तो चलो गाइस यार फाइनली वेट करते करते पूरा का पूरा एक घंटा हो गया और बैनी भी यहाँ पर अपना ट्रक लेकर आ चुका है और गाइस यहाँ पर जो बॉस है जिसको हमें पेमेंट करनी थी वो भी आ गया है। तो चलो यार अभी ना जल्दी चल के पेमेंट करते हैं, बाकी बैनी ट्रक हाँ यहीं पर लाकर बस खड़ा कर दे एकदम आराम से, बाकी सारी की सारी बाइक जो है गाइस अभी एक एक करके बाहर करते हैं। तो यार ये जो बाइक है ना गाइस यहाँ पर इसके दो मॉडल बने थे, बट ये वाला जो मॉडल है गाइस ये खराब है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर एक ही मॉडल लेकर जाने वाले हैं, और वैसे भी मैंने इनको एक ही बनाने के लिए बोला था, वो तो खराब हो गया इसलिए उन्होंने दूसरा बनाया। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं, बाकी यार यहाँ पर ये बंदा काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, मुझे लग रहा है इसको हमें बैनी के साथ ही ले जाना चाहिए। तो ये देखो गाइस यही है वो बंदा जिसे हमें पेमेंट करनी है, बाकी ये कोई आर्मी वार्मी का बंदा लग रहा है मेरे को। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल इस बंदे को मैंने $18 million की ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, लेकिन गाइस यार ये पूरी पेमेंट नहीं है, अभी थोड़े बहुत पैसे हमें इसे और लाकर देने हैं, लेकिन गाइस अभी ना फिलहाल अपना काम पूरा नहीं हुआ, अभी 3-4 बाइकें और है जो कि मुझे यहां से लेकर जानी है। बाकी ये जो बंदा था टीवी कैसे देख रहा था एकदम उसके अंदर घुस के, तो यार आप लोग तो ऐसे टीवी नहीं देखते ना भाई, ऐसे मत देखा करो, आंखें थोड़ी वीक हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। तो चलो यार अभी ना एक एक करके सारी की सारी बाइक जो यहां से लोड कराते हैं, बाकी एक बाइक इधर खड़ी होगी, चलो वो तो खराब थी वैसे भी, शायद ये लोग ले गए होंगे बाहर। तो भी फटाफट से गाइस यार सारी की सारी गाड़ियां जो है लेकर चलते अपने ट्रक पर लोड कराने। बाकी यार देखो टेस्ला ट्रक तो हम लोग ले आए और इन्होंने बोला था एक ट्रक तो तुम्हें हम दे देंगे जिसमें तुम सारी लोड कर सकते हो, तो उन बाइक्स को लेकर चले जाएंगे। अब ट्रेलर भी छोटा था इसलिए सारी की सारी बाइक्स एक बार में नहीं आ पाई और बैनी जो है पीछे एक बाइक पर बैठा हुआ है ताकि सारी बाइक्स का ध्यान रख पाए। वैसे चोरी होने की कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत यह है कि जो ट्रक है इसमें एक बार में एक ही बंदा आगे बैठता है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम लोग ट्रक के अंदर बैठ चुके हैं, ट्रक को स्टार्ट कर लिया है, तो जल्दी से इस ट्रक को लेकर मैं निकल लेता हूँ सीधा अपने शोरूम के लिए। बाकी अभी ये तो काफी ज्यादा तेज चलता है लेकिन हम लोग तेज चला नहीं सकते क्योंकि जो अपना ट्रक है ना गाइस वो जिस रोड पर है तो वो हाईवे नहीं है और इतना बड़ा ट्रक है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी चलाने में। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं अपने टेस्ला ट्रक को लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा अपने शोरूम में, बस मुझे आगे वाले कट से अपने ट्रक को यहाँ पर लेफ्ट मोड़ना है, एकदम आराम से मोड़ूंगा। वो देखो सामने से एक बाइक आ रहा है इतनी तेज, अच्छी बात है कि मैंने पहले मोड़ ली वरना बहुत ही बुरी तरह ठुकता। बाकी ये बैनी को देखो कहाँ पर बैठा हुआ है, ऊपर से सिगरेट भी पी रहा है इधर बैठ के, कहीं इधर उधर गिर ना जाए भैया गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो यार अभी जल्दी से थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं और हम लोग पहुंच जाएंगे सीधा शोरूम। तो
चलो गाइस यार फाइनली मैं अपने ट्रक को लेकर शोरूम पर पहुंच चुका हूं। बाकी यार इस तरफ में ये चेकिंग किस बात की हो रही है? लो भाई गाड़ी मैंने रोक दी, मैंने अभी कुछ नहीं करा, जिसको चेकिंग करनी है कर लो। तो चलो गाइस अभी फिलहाल ये लोग चेकिंग करने के लिए आ तो रहे हैं, भाई सारे के सारे गाड़ी से बाहर निकल गए। तो चलो अभी तो फिलहाल मैं जा सकता हूं ना, तो चलो भाई अभी फिलहाल अपनी गाड़ी एकदम ओके है। बाकी एक सेकंड सर क्या हो गया? तो चलो फिलहाल अपनी चेकिंग हुई है, जल्दी से अपने ट्रक को यहां पर आगे लेकर चलते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इस तरफ में इतनी ज्यादा चेकिंग किस लिए हो रही है। तो चलो अभी फिलहाल यहां से ऊपर नहीं यहां से नहीं जाना, ये सारी की सारी नई व्हीकल्स है तो इसको हमें अपने शोरूम के अंदर खड़ा करना है, तो इसलिए फ्रंट वाले गेट से चलेंगे। ये तो वो वाला रास्ता है जहां से किसी को भी गाड़ी रिपेयर करवानी होती है वो आता है। और ये पुलिस वालों को देखो यार, बीच रास्ते में अपनी गाड़ियां खड़ी कर रखी है, पता नहीं यार इनका क्या ही सीन है। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, भी जल्दी से अपनी गाड़ी यहां पर राइट लेते हैं और फटाफट से अंदर चलते हैं। और बाकी यार शोरूम के बाहर एक टैंक खड़ा हुआ है, साथ में पुलिस वालों की काफी सारी गाड़ियां हैं। गाइस मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मिलिट्री कर्नल है ना गाइस वो अपने शोरूम में आ गया है। तो अभी ना फिलहाल मैं शोरूम में नहीं जाने वाला, एक काम करते हैं अपने ट्रक को ना लेकर यहां से निकल लेते हैं कहीं और। तो गाइस यार एक सेकंड, हम लोग को तो यहां से भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस टाइम पर हम लोग अपने शोरूम का ही तो काम कर रहे हैं। अगर मिलिट्री कर्नल पूछेगा कि तुम लोग कहां पर थे इतनी देर से, तो हम लोग उसे साफ साफ बोल देंगे कि हम लोग अपने शोरूम के लिए बाइक्स की डिलीवरी लेने गए थे और अंडर वाटर माफिया को किसने रेस्क्यू करवाया या फिर बॉम्बर को किसने किडनैप करा हमें नहीं मालूम। और ये चीज देखने के बाद उसका शक तो हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा और साथ के साथ वो बेचारा खुद ही परेशान हो जाएगा कि आखिरकार अंडरवाटर माफिया गया कहां, क्योंकि हम लोग उसे साफ बोल देंगे भाई हमारे घर पर आकर देख लो है ही नहीं वो, और इस टाइम पर वो बेचारा नॉर्थ एंगटन पहुंच चुका होगा। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपने ट्रक को लेकर चलते हैं शोरूम में। अगर वैसे मैं यहां से भागता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी और जैसा कि मैंने सोचा था सेम टू सेम वही हुआ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर मैं अपने टेस्ला ट्रक से बाहर आ गया हूं और गाइस अभी ना जल्दी से चलते हैं सीधा मिलिट्री कर्नल के पास और उससे बात करते हैं आखिरकार क्या सीन है, वो हमारे शोरूम में क्या करने के लिए आया है। तो चलो वैसे यार काफी ज्यादा सिक्योरिटी लेकर आया आज भी और इनसे क्या पूछताछ कर रहा है, सीधा हमसे ही बात कर ले। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर मिलिट्री कर्नल से बात हो गई है और गाइस ये कह रहा है कि कोई बात नहीं तुम नहीं हो गए, शायद से तुम्हारे ऊपर गलत ही शक कर लिया, बाकी यार हम लोग ना सही टाइम पर अपने शोरूम पर पहुंच गए वरना फिर बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। अभी ना फिलहाल ये काफी ज्यादा परेशान है कि आखिरकार अंडर वाटर माफिया को रेस्क्यू किसने करवाया ये लेकर। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर मिलिट्री कर्नल अपनी गाड़ी लेकर वापस जा रहा है और गाइस हम लोग भी निकल लेते हैं सीधा अपने शोरूम में, क्योंकि यार ये सारी की सारी बाइक्स हमें यहां पर लोड करवानी है। बाकी यार आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कितनी ज्यादा फोर्स लेकर आया था, यानी कि अगर हम लोग इससे लड़ने की कोशिश करते ना तो सीधी सी बात है जबरदस्ती की बहुत खतरनाक लड़ाई हो जाती। बाकी तो यार सारे के सारे लोग यहां से एक एक करके निकल ही रहे हैं। वैसे अपना जो ट्रैक है ना इतना ज्यादा बड़ा है कि पैंजर वैंजर सब आ जाएगा यहां पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो यार अभी फटाफट से सबके साथ मिलकर भाई गाड़ियां लोड करवाओ। और अच्छी बात तो है कि जिमी और लामार शोरूम में ही थे। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं ओनली 8 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। बाकी मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।